हाय फ्रेंड्स, सो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन चल रहा है जिम जाने का, चालू है जिम, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो जिम को गए होंगे तो आपको ये सब सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, ये वो सब आपने सुना होगा। और उसके साथ में ही कुछ दोस्तों ने ये भी बोला रहेगा कि यार वो वे प्रोटीन से कैंसर होता है, मालूम है तुमको, मत लिया करो वो वे प्रोटीन। तो क्या वे प्रोटीन से सचमुच कैंसर होता है? तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं इनके बारे में हमको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज इट मे कॉज अदर प्रॉब्लम्स लाइक योर शुगर्स में इंक्रीज, योर कोलेस्ट्रॉल में इंक्रीज, सम पीपल में डेवलप अ लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी डायरिया हो सकता है। तो ये सब चीजें जरूर हो सकती है, बट कैन इट कॉज कैंसर? सो डायरेक्टली वे प्रोटीन्स आर नॉट नोन टू कॉज कैंसर, बट होता ये है कि डायट्री सप्लीमेंट्स का लेबल कैसा है, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज सम ऑफ दीज वे प्रोटीन्स में कंटेन रियली हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक हेवी मेटल्स, दे में कंटेन माइक्रोप्लास्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स डू हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन विथ कैंसर एंड दैट इज वाई वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग what kind of brand we take, what kind of labels we look for when you are choosing your brand of dietary supplements and do not take it without medical advice.